अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ एस्किडेलिया ने उसके दूसरे चमगादड़ को डॉर्थी को ढूंढने के लिए भेज दिया था। वहीं डॉर्थी अपने बचपन की यादें याद करके परेशान हो रही थी, जबकि टिनमैन उसे बुरी यादों को भूल जाने को कहता है, जिसके जवाब में डॉर्थी कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। पर टिनमैन उसे समझाता है कि उस वक्त तुम बच्ची थी, इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। तभी डॉर्थी को म्यूजिक मैन का सपना आता है, जो उसे सपने में बताता है कि तुम एक रोशनी हो जो अंधेरी जगह को उजाला बना देगी। इस पर अब डॉर्थी अपनी चारों ओर देखकर नोटिस करती है कि वो अंधेरी जगह यही है, जिसके तुरंत बाद उसे फिर से एक सपना आता है, जिसमें एस्किडेलिया डॉर्थी को तालाब के किनारे ये बता रही थी कि गोल पत्थर को पानी में फेंकने पर वो डूब जाता है, जबकि समतल पत्थर उस तालाब के पानी में नहीं डूबता। जो ऐसा कहकर वो डॉर्थी को एक समतल पत्थर ढूंढने में मदद करती है, जिसे वो सही समय पर प्रयोग करने को कहकर वो उसे छुपा देती है। अब इस सपने को देखने के बाद वो समतल पत्थर को ढूंढकर उसे जमीन पर फेंकती है, जहां वो पत्थर पानी की तरफ जमीन पर तैरता हुआ आगे चला जाता है, और फिर इसी के साथ वो बंजर और अंधेरा जंगल एक सुंदर जंगल में बदल जाता है, जहाँ एक तालाब भी होता है। अब उस तालाब से डॉर्थी की माँ की परछाई निकलकर उसे बताती कि जादुई पत्थर की मदद से अच्छी और बुरी शक्तियों को आउटर जोन में लाया जा सकता है, जिस कारण एस्किडेलिया के अंदर मौजूद वो बुरी जादूगरनी उस जादुई पत्थर को पाना चाहती है। इसलिए अब तुम्हें उस जादूगरनी से तुम्हारी बहन और आउटर जोन को बचाना है। वो ये भी बताती कि अब तुम साउथ की ओर आगे बढ़ो, जहाँ तुम्हें अहोमा नाम का आदमी मिलेगा, जो तुम्हें ग्रे गेल की ओर ले जाकर उस जादुई पत्थर को हासिल करने में मदद करेगा। जिस पर अब डॉर्थी सवाल करती कि अहुमा कौन है, लेकिन इस सवाल का जवाब दिए बिना ही वो परछाई गायब हो जाती है। फिर टूडो उसे बताता है कि अहुमा उसके पिता है। वहीं उधर एस्किडेलिया अपने सैनिकों के साथ डॉर्थी की ओर बढ़ रही होती है, जहाँ रास्ते में उसे अपना पालतू चमगादड़ मरा हुआ मिलता है, जो देखकर वो बहुत उदास होती है, जिसके बाद वो अपने सैनिकों को वहां रुकने का कहकर आसपास की जगह देखने के लिए चली जाती है। अब आगे जाकर उसे वही तालाब मिलता है जहां डॉर्थी को उसकी माँ की परछाई ने संदेश दिया था। तभी अचानक से फिर वो परछाई वहां आकर अपनी बात को दोहराती है, जिससे एस्किडेलिया को भी पता लग जाता है कि डॉर्थी साउथ में अहुमा की तलाश में है, जो उसके पिता है। वहीं इस तरफ टिनमैन को टूडो के ऊपर शक होने के कारण वो उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है, जो देखते ही टूडो सब कुछ सच बता देता है कि एस्किडेलिया ने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि यदि वो उसे डॉर्थी के बारे में सब जानकारी देगा तो वो उसे छोड़ देगी, और यदि उसने ऐसा ना किया तो वो उसे जान से मार देगी। अब ये सुनकर डॉर्थी टिनमैन को उसे मारने से मना करते हुए टूडो से कहती कि तुम हम सबको मेरे पिता के पास ले चलो, जिस पर अब टूडो फिर से कुत्ता बन जाता है। लेकिन अब टिनमैन उसे आखिरी चेतावनी देता है कि अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिना दूसरी बार सोचे गोली मार दूंगा, जिससे फिर ये पार्ट 4 यहीं समाप्त हो जाता है। अब पांचवें पार्ट की शुरुआत एस्किडेलिया से होती है, जिसने अपने चमगादड़ को अहुमा की तलाश में भेज दिया था, जबकि दूसरी तरफ टूडो एक अंडरग्राउंड रास्ते की मदद से सभी को लेकर एक अंडरग्राउंड गांव में जा पहुंचता है, जिस गांव का नाम द लैंड ऑफ अनवांटेड होता है। इस जगह पर सभी चोर और लुटेरे रहा करते थे, जहाँ उन्हें एक महिला से पता चलता है कि अहुमा तक पहुंचने का रास्ता द सीकर को ही पता है। अब यहाँ वो लड़की पैसे के बदले उन्हें द सीकर तक ले जाने का वादा करती है, जिसके बाद वो महिला उन सबको एक बार में ले जाकर द सीकर से मिलवाती है। और टिनमैन द सीकर से बात कर पाता उससे पहले ही वहाँ कुछ लोग आकर डॉर्थी को पकड़ ले जाते हैं, जिस पर डॉर्थी के दोस्त उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो महिला उन्हें एक जाल में फंसा लेती है। अब आगे हम डॉर्थी के दोस्तों को एक पेड़ के तने से बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ एस्किडेलिया का सेनापति और कुछ सैनिक भी मौजूद थे। दरअसल उस महिला ने डॉर्थी और उसके दोस्तों की वांटेड वाली तस्वीर देख ली थी, इसलिए उसने पैसों के लालच में उन सबको पकड़वा दिया। वहीं दूसरी तरफ डॉर्थी की आंखें गुफा में खुलती है, जहां वो नींद से जागती अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है। इतने में वहां द सीकर आ जाता है, जिसे वो अपने दोस्तों के बारे में सवाल करती है, जिस पर वो बताता है कि उन्हें एस्किडेलिया के सैनिक ले गए, जो सुनकर डॉर्थी उदास हो जाती है। वो अब उससे सवाल करती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, जिसके जवाब में वो बताता है कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, जो अपनी पहचान छिपाने के लिए द सीकर के नाम से यहाँ रह रहा हूँ, यानी कि द सीकर कोई और नहीं बल्कि अहुमा ही है। फिर वो उसे बताता है कि जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें वापस जिंदा करने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ इस्तेमाल कर ली, तब हमें ये पता चला कि आउटर जोन पर कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए उन्होंने मुझे महल से जाने के लिए कहा, जिससे तुम्हारे वापस आने तक जादुई पत्थर की सच्चाई छिपी रह सके। अब इसके बाद वो डॉक्टर को एक कंपास देते हुए बताते हैं कि यही हमें जादुई पत्थर और ग्रे गिल तक जाने का रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, जिस पर डॉर्थी ऐसा ही करती है। तब वो कंपास उनको रास्ता दिखाता है, इसलिए वो दोनों एक
हॉट एयर बलून से उस दिशा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एसकेडियल उन दोनों को छिपकर देख रही है और वहीं उधर डॉटी के दोस्तों को ले जा रहे सैनिकों पर कुछ लोग हमला करके उन्हें बचा लेते हैं। दरअसल जिन लोगों ने इन सैनिकों पर हमला किया था उनका लीडर एक लड़का होता है जो टिनमैन को देखते ही उसे पापा कहकर बुलाता है, जिससे हम समझ पाते कि वो उसका बेटा जेब है, यानी कि अब वो रेजिस्टेंट ग्रुप का लीडर बन चुका है। फिर वो सभी एस्केडेला के सेनापति को टॉर्चर करके उससे एस्केडेला की मशीन के बारे में सारी बातें बताने को कहते हैं, जिस पर वो बताता है कि जब दो सूर्य ग्रहण होंगे तो वो मशीन उस जादुई पत्थर की मदद से एक तेज रोशनी चांद की ओर फेंकेगी, जिससे वो दोनों भी सूरज हमेशा के लिए चांद के पीछे छिप जाएंगे और आउटर जोन पर हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। अब ये सुनकर ग्लिच को याद आता है कि उसने उस मशीन को इसलिए बनाया था जिससे आउटर जोन पर किसी भी मौसम का समय कम या ज्यादा किया जा सके। इस पर अब टिनमैन के पूछने पर वो सेनापति बताता है कि सिर्फ ग्लिच को ही पता है कि उस मशीन को कैसे बंद कर सकते हैं, लेकिन ग्लिच की यादें पूरी तरह से वापस नहीं आई थी जिस कारण वो मशीन को बंद नहीं कर सकता था। तभी सेनापति के द्वारा एम्ब्रोस कहने पर जे बताता है कि एम्ब्रोस एक सीक्रेट कोड है जिसका मतलब मशीन को चलाने वाला दिमाग है। फिर और सवाल पूछने पर सेनापति बताता है कि ग्लिच का दिमाग ब्रेन रूम में रखा हुआ है और इसी के साथ उन्हें ब्रेन रूम की लोकेशन भी शेयर करता है। आप सीन शिफ्ट होकर वापस से डॉर्थी और उसके पिता की तरफ मुड़ती है जो कंपास को फॉलो करते हुए पहाड़ के ऊपर जा पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक जादुई दरवाजा दिखाई देता है जो बहुत ही चमक रहा था। यहां फिर डॉर्थी अपने निशान वाला हाथ आगे करती है जिससे वो दरवाजा खोल जाता है। दरअसल ये दरवाजा एक महल का था जहाँ एक कमरे में डॉर्थी गेल लिखा हुआ था। इस पर अब डॉर्थी के पिता उसे बताते कि डॉर्थी गेल तुम्हारी दादी थी और उन्हीं के नाम पर तुम्हारा नाम रखा गया है। इससे अब डॉर्थी समझ जाती कि ग्रे गेल का मतलब उसकी दादी से था, इसलिए वो अपना हाथ फिर से आगे करती है जो करते ही अब उस कमरे का दरवाजा भी खुल जाता है। वहां डॉर्थी के पिता उसे अकेले ही अंदर जाने को कहते हैं और अब अंदर जाकर डॉर्थी को उसकी दादी जो एक जवान लड़की की तरह दिख रही थी वो मिलती है जो उसे जादुई पत्थर दे देती है। वहीं अब जब वो अपने पिता के साथ जादुई पत्थर लेकर वापस जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ एस्केडियल आकर अहुमा को अपने जादू से कैद करके डॉर्थी को उसी महल में मौजूद एक ताबूत में बंद कर देती है जो ताबूत दरअसल उसकी दादी का था। इधर टूडो डॉर्थी की स्मेल से उसका पीछा करते हुए उस महल के दरवाजे के पास आ जाता है, लेकिन वो दरवाजा बंद होने के कारण वो भागकर डॉर्थी के दोस्तों के पास जाकर उन्हें इस बात की खबर कर देता है, जबकि इस तरफ डॉर्थी अपनी शक्तियों की मदद से उस ताबूत से बाहर आ जाती है। अब बाहर आते ही उसे उसके सभी दोस्त मिलते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो सभी एस्केडेला के किले की ओर निकल पड़ते ताकि उसे रोका जा सके। लेकिन उस जगह पर बहुत ज्यादा सैनिक पहरा दे रहे थे जो देखकर वो लोग एक योजना बनाते जिसके तहत जीव दरवाजे के आसपास धमाका करता है जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, जिसी का फायदा उठाकर डॉर्थी और उसके साथी एस्केडेला के महल में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एस्केडेला उस मशीन को चालू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, इसलिए उन धमाकों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर डॉर्थी और उसके दोस्त अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ डॉर्थी अपनी बहन एस्केडेला को रोकने जाती है जबकि उसके साथी मशीन को बंद करने जाते। अब आगे हम उसके दोस्तों को ब्रेन रूम में देखते हैं जहाँ उन्हें ग्लिच का दिमाग पानी के एक टैंक में दिखाई देता है। तब रॉय एक हाथ मशीन पर तो दूसरा हाथ ग्लिच के सिर पर रखता है जिससे ग्लिच कुछ नंबर बताता है और अब उन नंबर्स की मदद से टिनमैन उस मशीन को बंद करने लगता है। पर तभी एस्केडेला के कंट्रोल रूम वाले सैनिक जो मशीन को चला रहे थे वो ब्रेन रूम में आकर टूडो को मारने के साथ साथ टिनमैन को भी गोली मार देते। वहीं यहाँ कंट्रोल रूम का लीडर ग्लिच और रॉ को भी बिजली के झटके देकर बेहोश कर देता है, जबकि इस तरफ डॉर्थी एस्केडेला को रुकने के लिए कहती है पर वो उसे महल के ऊपर से धक्का देकर नीचे फेंक देती है, लेकिन भाग्य से डॉर्थी महल की दीवार से लटक कर वापस से ऊपर आ जाती है। वहीं अब तक अंधेरा भी हो चुका होता है क्योंकि एस्केडेला ने जादुई पत्थर से ग्राउंड को हमेशा के लिए वहीं रोक दिया था। फिर डॉर्थी अपने बचपन का गाना गाने लगती है जिसे उसकी माँ उसे और एस्केडेला को सुनाया करती थी और ये गाना दो बहादुर बहनों के बारे में था। डॉर्थी अब एस्केडेला को अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है कि वो लोग किसी भी मुसीबत में एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ती थी, जो सुनकर एस्केडेला की आंखों में आंसू आ जाते। फिर डॉर्थी आगे कहती कि उस दिन मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गई, पर हो सके तो तुम मुझसे उस गलती के लिए माफ कर दो। साथ ही साथ वो एस्केडेला से ये भी वादा करती कि अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तब एस्केडेला के अंदर मौजूद बुरी जादूगरनी डॉर्थी को डराने लगती है, पर डॉर्थी इस बार बिल्कुल नहीं डरती, उल्टा वो एस्केडेला के सामने अपना हाथ करती है। इस पर अब एस्केडेला भी डॉर्थी की तरफ अपना हाथ करती है और अब उन दोनों का हाथ पास में आते ही वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं।
जो अब ऐसा होते ही वो बूढ़ी जादूगरनी तड़पते हुए एस्गडेला के शहर से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो जादूगरनी एक विशाल रूप ले लेती है, जो देखकर एस्गडेला को डर लगने लगता है क्योंकि वो कमजोर पड़ चुकी थी। इस पर अब डॉर्थी उसे हिम्मत देते हुए लड़ने के लिए कहती है। वहीं उस जादूगरनी के हमले से डॉर्थी और एस्गडेला को कुछ नहीं होता क्योंकि उन दोनों के साथ होने पर उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया था। दूसरी तरफ टिनमैन को भी होश आ चुका था, जो होश में आते ही एक सैनिक को गोली मार देता है। वहीं रॉ और ग्लिच भी होश में आते हैं, जो उन सैनिकों को मार गिराते हैं। फिर टिनमैन ग्लिच से मशीन को बंद करने का आखिरी नंबर पूछता है, जो दबाती मशीन बंद हो जाती है। और अब उस मशीन के बंद होते ही वो बुरी जादूगरनी पिघलकर वहीं मारी जाती है, जो देखकर डॉर्थी और एस्गडेला खुश होते हुए एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब डॉर्थी और एस्गडेला अपने माता पिता के पास जाकर उनसे भी गले मिलते है। तब तक डॉर्थी के दोस्त भी आ चुके थे, जिनका डॉर्थी दिल से धन्यवाद करती है क्योंकि उन्होंने पल भर के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद ग्रहण के हटते ही आउटर जोन फिर से हरा भरा हो जाता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। और फिर इसी के साथ ही मिनी सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर मैं छोटा एक्सप्लेनेशन दूं कि ये सीरीज क्या थी, तो पहला तो ये कि परिवार से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि परिवार ही इंसान की शक्ति होती है। दूसरा कि जैसा हमने सीरीज में देखा कि हर कोई कुछ न कुछ चीज चाहता है, जैसा कि ग्लिच को दिमाग चाहिए, टिनमैन को दिल, जबकि रॉ को हिम्मत। पर डॉर्थी उन्हें सीख देती है कि ये सब चीजें तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, यानी कि खुद पर भरोसा होना भी बहुत जरूरी है। वहीं आखिरी सबक जो हमें इस सीरीज में बताया गया है कि दोस्त किसी खजाने से कम नहीं होते, और एक सच्चा दोस्त आपकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत बना लेता है और मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ता, इसलिए दोस्ती भी उतनी ही जरूरी है जितना कि हमारा परिवार। अब आई होप आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई, और अगर हाँ तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। काफी मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, और आपके लाइक से ही मेरा वीडियो चल पाता है और मुझे मनोबल मिलता है और भी वीडियो पोस्ट करने में। तो मिलते अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।